हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम भी भेजी है केशव ने, और मुझको ये लग रहा था कि ये एक बार में आपको विजुलाइज करने में शायद समझ में ना आए, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक अलग एग्जांपल से आपको समझाऊँगा, एक अलग तरह का अरेंजमेंट है इसको समझाने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में एक सॉलिड हेमीस्फियर है। इस सॉलिड हेमीस्फियर का मास हमको गिवन है। सॉलिड हेमीस्फियर का मास है एम, रेडियस है आर, और एक एक्सिस C1, C2, ये C1, C2 एक्सिस हेमीस्फीयर के सेंटर ऑफ मास C से पास होती है। ये हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये भी क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि जो डिस्टेंस OC है वो गिवन है 3R/8। तो जो 3R/8 डिस्टेंस है OC के बराबर है। इसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट या प्रिसाइज डिस्टेंस पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने ये लाइन जानबूझ के थोड़ी बड़ी बनाई हुई है जिससे कि डायग्राम में वो क्लियरली विजिबल हो। अदरवाइज 3R/8 जो है वो यहाँ कहीं आएगा, इससे काफ़ी नीचे होगा, लेकिन ये ट्राइंगल थोड़ा बड़ा देखे इसलिए मैंने ये डिस्टेंसेज इस तरह से ली हुई है। तो ये आप ध्यान में रखना कि 3R/8 जो डिस्टेंस है वो यहाँ नहीं होगी, ठीक। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन C1, C2 पास होती है सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर से, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है? 37 डिग्री। ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बनाती है। तो हमको निकालना है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर अबाउट एक्सिस C1 एंड पासिंग थ्रू C1, C2। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत है एक ऐसी एक्सिस की जो कि C1, C2 एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। तो C1, C2 के पैरेलल एक एक्सिस कौन सी है? B1, B2। तो B1, B2 के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पता कर लें तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के C1, C2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो A1, A2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये चेक करना बहुत ही आसान काम है। मान लो कि ये कंप्लीट स्फीयर होता, अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता तो एक्सिस A1, A2 के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता? IA1A2 = अगर ऊपर वाले हेमीस्फीयर का मास m है और नीचे वाले सॉलिड हेमीस्फीयर का मास भी m है, तो टोटल स्फीयर का मास हो गया 2m, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता 2/5 × 2m × r². बाई सिमेट्री हमको इजीली समझ में आ जाता है कि ऊपर वाले हेमीस्फीयर का जितना कंट्रीब्यूशन है इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, उतना ही कंट्रीब्यूशन नीचे वाले सॉलिड हेमीस्फीयर का भी है। इसलिए अगर मैं इसको हटा दूं तो बचे हुए हिस्से का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अभी जो दिख रहा है हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका हाफ होगा, यानी 2m को मैं कितना कर दूंगा? m, केवल एक सॉलिड हेमीस्फीयर के मास के बराबर। तो यह हुआ 2/5 mr². तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस A1, A2 2/5 mr² और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? सॉलिड हेमिस्फीयर का। ये सॉलिड हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मेरा सारी जो समस्या की जड़ है जिसकी वजह से मुझे अरेंजमेंट करना पड़ा वो ये है कि मेरा क्लेम ये है कि B1, B2 के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2/5 mr² ही है। माय क्लेम इज दैट IB1B2 इज ऑल्सो 2/5 mr². A1, A2 के अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया B1, B2 के अबाउट है। इसको हम कैसे समझेंगे? मान लेते हैं कि ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है ये दो हिस्से से मिलकर बना हुआ है, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये है। इस हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मान लेते हैं I1 है, और इस वाले हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2। ये I1 + I2 ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम A1, A2 के अबाउट निकालते हैं तो A1, A2 के अबाउट कितना आता है? 2/5 mr². इस एक्सिस के अबाउट इन दोनों का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2/5 mr² के बराबर है। लेकिन जैसे ही ये वाली एक्सिस लेते हैं हम B1, B2, तो विजुलाइज करने में हमको प्रॉब्लम होती है
कि अगर ये एक्सिस हमने ले ली तो इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन होगा, इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन होगा, ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो ये वाला पोर्शन है इसका रोटेशन तो ऐसे होगा, ये ऐसे घूमेगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये इसको भी घुमा के दिखाई देता हूं भाई मैं, ये तो जो ये वाला पोर्शन है ये इसका रोटेशन इस तरह से होगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है ये ऐसे घूमेगा। तो समस्या इसको विजुलाइज करने में है। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे, इस वाले हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ऊपर वाला है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। मैंने क्या काम किया, मैंने इस हिस्से को यहां से हटा दिया, ठीक है, इसको यहां से हटाया। अब आपको विजुलाइज करना है कि ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट जब ये वाला हिस्सा यहां पर रोटेट करता था, घूमता था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, इसके अबाउट I1 था, ठीक है। इस बुक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I1 है, चाहे मैं इसको ऐसे घुमाऊं या अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, भाई अगर मैं ऐसे घुमाता हूं तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसका, I1 के ही बराबर आना चाहिए अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब भी I1 ही होगा, और अगर मैं ऐसे घुमाता हूं इस एक्सिस के अबाउट तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, और अगर इसको हम ऐसे रोटेट करें इसके अबाउट तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा। तो चलो मैंने क्या काम किया, यहाँ से एक्सिस को यहीं रखा, इस हिस्से को उठा के और मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब देखा कुछ, इस हिस्से को जैसे ही हमने यहाँ पर जोड़ा तो अब ये बॉडी क्या बन गई, अब हम सॉलिड हेमिस्फीयर का कंप्लीट हो गया, ये सॉलिड हेमिस्फीयर का कंप्लीट हो गया, और ये जो एक्सिस है बी वन बी टू इसके अबाउट सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हो गई जो कि ए वन ए टू के अबाउट थी, यानी ए वन ए टू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते थे इस सॉलिड हेमिस्फीयर का, तो कितना आता था 2/5 mr². मैंने इसको यहां से हटाया, यहां पर मिलाया, तो सिमिलर सिचुएशन बी वन बी टू के अबाउट आ गई है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए इसके अबाउट भी, बी वन बी टू के अबाउट भी 2/5 mr² ही होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इस हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, यहां पर जब लगा हुआ है इस एक्सिस के अबाउट ये कितना कंट्रीब्यूट करता है I1, तो जब ये यहां पर हम लगा देंगे तो इस एक्सिस के अबाउट भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा I1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सिचुएशन में कैसा आएगा 2/5 mr². अगर मैं बी1 बी2 के अबाउट लेता हूं तब भी 2/5 mr², और अगर इसको मैंने ए वन ए टू के अबाउट लिया यहां पर तब भी ये 2/5 mr² ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक। अब मैं इसको यहीं पर फिक्स कर देता हूं जरा, ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया है कि बी वन बी टू के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई बी वन बी टू इक्वल्स टू 2/5 mr², ये काम हो गया हमारा। अब हम पैरेललैक्सिस थ्योरम लगाते हैं, और पैरेललैक्सिस थ्योरम लगा के हम C1 C2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। स्टूडेंट्स जो मिस्टेक, जहां पर मिस्टेक कर सकते हैं वो एक ये स्टेप भी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाली, इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, देखिए जब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है I इक्वल टू ICM प्लस ma², तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल होती है, तो उसमें पैरेलल एक्सिस कौन कौन सी है, एक B1 B2 और एक C1 C2, इसमें से ये ICM वाली कौन सी होगी, वो एक्सिस ये नहीं है B1 B2, वो एक्सिस होगी C1 C2। ये B1 B2 सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है क्योंकि हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास अब शिफ्ट हो चुका है, वो यहाँ पर है। जब ये कंप्लीट बॉडी थी, ये कंप्लीट स्फीयर था, तब उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर ऊपर हुआ करता था, लेकिन जब ये कंप्लीट बॉडी नहीं रही है तब सेंटर ऑफ मास हेमिस्फीयर का कहाँ पर है, सी पॉइंट पर है। तो आपको लिखना होगा यहाँ ICM किसके अबाउट होगा, ICM C1 C2 प्लस
और ये आई किसके अबाउट है, यानी बी वन बी टू प्लस मास इनटू, अब ये ए होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, तो इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है OD के बराबर, ये डिस्टेंस है OD, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है OC, OC डिस्टेंस है, हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं, OC डिस्टेंस जो है ये 3R by 8 गिवन है क्वेश्चन में, ये है OC, और जो C1 C2 एक्सिस यहाँ से पास हो रही है ये इस पर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं यहाँ से यहाँ पर, तो ये है OD, हमको OD कैलकुलेट करना है। ये जो एक्सिस थी C1 C2 ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती थी, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री, ये है 53, भले चाहे ये एंगल छोटा और ये बड़ा दिख रहा हो लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यूज नहीं लेनी है, ये एंगल ठीक ठीक आपको वीडियो में दिखे इसलिए मैंने इनको ऐसे लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन 53 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर OD अपॉन हाइपोटेन्यूस OC, तो डिस्टेंस OD आएगा OC साइन 53, OD इक्वल टू OC की वैल्यू है 3R/8, तो 3R/8 साइन 53 डिग्री 4/5, 4 से मैं कैंसिल करता हूँ 8 को तो 2, और हमको मिलता है 3R/10, तो डिस्टेंस OD इज 3R/10 है। चलिए अब इसको हटा देते हैं यहां से और पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जो इक्वेशन है उसमें आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या वैल्यूज आती हैं, तो एम ए स्क्वायर, ये जो ए है ये किसके बराबर था, ओ डी स्क्वायर, तो आई बी वन बी टू, ये आई बी वन बी टू कितना है 2/5 हमारा स्क्वायर, ये इसको मैं लिख रहा हूँ 2/5 एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी वन सी टू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमको निकालना है, प्लस ये होगा एम, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ डी, इट इज 3R/10 होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करें तो हमको मिलेगा आई सी वन सी टू इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एम आर स्क्वायर इन टू यहाँ बचता है 2/5 और ये इधर आएगा, तो स्क्वायर होने पर होगा -9/100। आई सी वन सी टू इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर इन टू ये होगा 40 माइनस नाइन अपॉन 100 31/100 एम आर स्क्वायर। तो जो C1 C2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई C1 C2 इक्वल्स टू ये 31/100 एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड हेमिस्फीयर अबाउट एक्सिस C1 C2 विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर एंड मेक्स एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल comes out to be 31 mr square by 100। तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, दो चीजें ऐसी हैं जो कि क्रूशियल हैं इसको इंपॉर्टेंट सॉल्व करने के लिए। एक तो ये कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस a1 a2 एक्सिस के अबाउट है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस b1 b2 के अबाउट होगा जब ये बॉडी रोटेट करेगी, नंबर एक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है C1 C2, तो जो ICM होता है वो C1 C2 एक्सिस है और उसके पैरेलल जो B1 B2 है वो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिखना है, और ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दोनों एक्सिस के बीच में जो कि OD के बराबर है, ये आपको पता है। तो आई होप केशव तुमको अब ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, और ये खास तौर से तुम्हारे लिए ही अरेंजमेंट किया था, इसके अलावा बाकी दूसरे स्टूडेंट्स भी जो देख रहे हैं उनको समझ में आया कि नहीं, या आप मुझे जो मेरा नंबर दिया हुआ है YouTube पे उस नंबर पे आप अपना मैसेज कर सकते, मुझसे पूछ सकते हैं
इसके अलावा कई बार क्या होता है, कोई एक अच्छी सी चीज़ जब हमको समझ में आती है तो वो तो समझ में आ जाती है, लेकिन उसके साथ में कोई नए डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो आपके जो नए डाउट्स क्रिएट इससे होते हैं उनका भी स्वागत है, तो आप उनको भेजिए मेरे नंबर पर, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सेंडिंग योर डाउट्स।